खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। होटल विद्यावाटिका, बुकिंग ओपन। शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए उपलब्ध। नियर बॉलीवुड टॉकीज, जबलपुर रोड, दमोह। ऐसे में जब माँ की आराधना का पर्व नव दुर्गा चल रहा है, वहीं नव दुर्गा पर्व पर माँ की ममता को कलंकित करने वाला घटनाक्रम सामने आया है। सुबह रने थाना के जरौदा गांव में एक खेत में नवजात के जीवित अवस्था में मिट्टी के ढेर में दबे होने की सूचना पर थाना प्रभारी प्रसीता पटेल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची और डायल 100 वाहन से नवजात को तत्काल ही सिविल अस्पताल हटा लेकर ले जाया गया, जहां पर नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव की एक महिला नन्नी बाई सुबह खेत की तरफ जा रही थी तो मिट्टी के ढेर से नवजात के रोने की आवाज़ आई तो महिला ने इसकी सूचना ग्राम कोटवार के माध्यम से पुलिस को दी। वहीं थाना प्रभारी ने बिना कोई देरी किए मौके पर पहुंचकर बच्चे को गोद में उठाकर सिविल अस्पताल हटा लेकर आई। इस बीच प्रभारी प्रसीता पटेल ने कई डॉक्टरों से संपर्क कर नवजात बच्चे के जल्द इलाज की अपील, जिस पर कई डॉक्टर्स ड्यूटी पर न होने के बावजूद भी अस्पताल पहुंचे और बच्चे की जांच की। डॉक्टरों का कहना है कि खेत में मिला नवजात एक बालक है जो करीब 4 से 5 घंटे पूर्व ही जमना है। इलाज उपरांत और इसके बेहतर इलाज के लिए इसे जिला अस्पताल दमोह रेफर किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि समाज के डर और बदनामी की वजह से कोई बिन ब्याही माँ इस नवजात को खेत में फेंक कर गई होगी। रने थाना पुलिस नवजात के विषय में जानकारी जुटा रही है। वहीं पुलिस को इसकी मां के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। डायल पर सूचना आई थी कि जरौदा गांव में एक नवजात शिशु डला हुआ है, तो मैं स्टाफ के जाकर वहां देखा तो एक नवजात शिशु था, इसकी सांसें चल रही थी। जैसे हमारा स्टाफ के साथ में अस्पताल लेके आए, अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका, अभी शिशु सुरक्षित है। जी, क्या लगाया जा रहा है बच्चा, मतलब कैसे, किसका, किस में? अभी इसका कोई वो नहीं है, अभी तलाश की जा रही है। बच्चे को पहले सुरक्षित कराया जा रहा है, उसके बाद वो भी करते आए। क्या हुआ? जब देखो हम डिब्बा लेके घूम भी जाते तो खेतवा में बच्चा तो रोड़ान से, फिर हमने कोतवाल से बुलवाया, फिर कोतवाल आया, फिर उस कोतवाल ने गोली के हो गया, पुलिस के फोन लगाए। तो बच्चा जीवित है? हाँ, अभी तो आवाज। आज सुबह एक जरौदा गांव से एक नवजात शिशु को लाया गया था रने थाना प्रभारी द्वारा, और जब लाया गया था तो इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और अभी उसको स्टेबल करके जिला अस्पताल दमोह भेजा जा रहा है। ये लगभग कितने समय का बच्चा है? अभी न्यू बॉर्न ही है वो, लगभग 4-5 घंटे ही हुए होंगे उसको बॉर्न हुए, और अभी साथ में उसके इवन नाल भी नहीं कटी हुई थी, यहीं पर काटी गई है नाल, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यू बॉर्न ही है।